ऑकलैंड में 202 रनों पर सिमटी भारत की पहली पारी। रोहित शर्मा 72 रन बनाकर बोल्ट का हुए शिकार, मेजबान ने नहीं दिया फॉलोअप। पहली पारी में रविंद्र जडेजा 30 रन बनाकर रहे नाबाद, 26 रनों पर सिमटी अजिंक्य रहाणे की पारी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने किए चार शिकार, 11 ओवर में 64 रन देकर टीम इंडिया के पुछल्ले बल्लेबाजों को लौटाया पवेलियन। दूसरी पारी में टीम इंडिया का पलटवार, पहले ही सेशन में 7 विकेट झटके, 15 रन पर ही लौट गए न्यूजीलैंड के टॉप 4 बल्लेबाज। पहली पारी में शानदार 24 रन बनाकर ब्रैंडन मैकुलम दूसरी पारी में सस्ते में निपटे, महज 1 रन बनाकर हुए रन आउट। आज मोदी के गढ़ में होंगे राहुल गांधी, गुजरात के बारडोली में एक कार्यक्रम। यूथ कांग्रेस के विकास खोज यात्रा में शिरकत करेंगे राहुल गांधी, मोदी के विकास दावों की खोलेंगे पोल। करीब 50 दिनों से चल रही है विकास खोज यात्रा, बारडोली में आज समापन समारोह। 9 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी है विकास खोज यात्रा, तय हुई 500 किलोमीटर की दूरी। मोदी के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने किया था आयोजन, कई नेता कर चुके हैं शिरकत। आज गुवाहाटी में रैली करेंगे मोदी, बीजेपी ने किया 3 लाख लोगों के जुटने का दावा। गुवाहाटी रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3 घेरे में होगी सिक्योरिटी। एनएसजी कमांडो के जिम्मे होगा मोदी की सुरक्षा का पहला घेरा, दूसरे और तीसरे घेरे में गुजरात और असम पुलिस। गुवाहाटी से पहले मणिपुर में भी मोदी की रैली, बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक मौका। गुवाहाटी रैली के बाद शाम में चेन्नई में मोदी की रैली, दक्षिण में लोकसभा प्रचार की शुरुआत। दिल्ली में लोकपाल को लेकर जंग जारी, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, उठाए नियत पर सवाल। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी में लिखा, आखिर उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से राय लेने में क्यों दिखाई चलबाजी। केजरीवाल ने एलजी को भेजी चिट्ठी में लिखा, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर कांग्रेस और गृह मंत्रालय का बहुत दबाव है। केजरीवाल ने एलजी को लिखा, आपने संविधान की कसम खाई है, किसी पार्टी या गृह मंत्रालय की वफादारी की नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी एलजी पर लगाया आरोप, आशुतोष बोले, कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नजीब जंग। एलजी पर केजरीवाल और आपके आरोप के बाद सियासत गर्म, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने किया पलटवार। कबल से बलगा केजरीवाल पर निशाना, बोले नहीं आता सरकार चलाना, इसलिए लगा रहे हैं दूसरों पर आरोप। बीजेपी ने भी किया केजरीवाल पर हमला, बोली सॉलिसिटर जनरल की राय ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब किया। सॉलिसिटर जनरल ने बिल को बताया है असंवैधानिक, दिल्ली के उपराज्यपाल ने मांगी थी उनसे राय। सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन की राय, असंगत है जन लोकपाल बिल, पहले जरूरी है केंद्र की मंजूरी। बिजली पर खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एनटीपीसी 26 मार्च तक बीएसईएस को देती रहेगी सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसईएस को भी दिया आदेश, बकाया रकम में से 50 करोड़ का करें भुगतान। कोर्ट ने बीएसईएस को भुगतान के लिए दिया 2 हफ्ते का समय, सरकार एनटीपीसी और बीएसईएस को दिया नोटिस। कोर्ट ने कहा 300 करोड़ रिलायंस के लिए बड़ी रकम नहीं, घाटा हो रहा है तो करें दूसरा बिजनेस। बिजली कंपनियों की दलील, 80% होता है चार्ज, बाकी 20% में दूसरे इंतजाम। बिजली कंपनियों को केजरीवाल की चेतावनी, कहा बिजली काटी तो दिल्ली से भगा देंगे। जनता की सेवा करो, हम आपकी जात की बात मानेंगे, लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे तो दिल्ली से भगा देंगे दूसरी कंपनी द्वारा। केजरीवाल ने बीएससीएस को दी हिदायत, बोले ईमानदारी से काम किया तो नहीं होती कोई दिक्कत।
बीएसईएसओ केजरीवाल ने फिर दी धमकी, बोले आंखें दिखाएंगे तो ले आएंगे दूसरी कंपनी। केजरीवाल ने की टाटा की कंपनी की तारीफ, बोले दिल्ली में अच्छा काम कर रही है टीपीडीडीएल। अलग तेलंगाना बनने का रास्ता हुआ साफ, संशोधनों के साथ बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी। करीब दो घंटे की माथापच्ची के बाद कैबिनेट ने बिल पर लगाई मोहर, सीमांध्र का समर्थन करने वाले मंत्रियों की मांग खारिज। 12 फरवरी को राज्यसभा में रखा जाएगा बिल, इसी सत्र में तेलंगाना बिल पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। अलग राज्य को लेकर बीजेपी के रुख में कोई बदलाव नहीं, तेलंगाना बिल का समर्थन करेगी पार्टी। तेलंगाना बिल को लेकर वाईएसआर कांग्रेस का हमला, कहा राष्ट्रपति पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। खाप पंचायतों को लेकर कांग्रेस में भिड़ंत, हरियाणा के सीएम ने चिदंबरम के बयान का किया खारिज। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले हमारी संस्कृति का हिस्सा है खाप पंचायत। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने खाप पंचायतों की थी निंदा, कहा था वो नहीं है हमारी संस्कृति का हिस्सा। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, एनजीओ की तरह काम करती है खाप पंचायतें। केजरीवाल ने भी की थी खाप पंचायतों की वकालत, कहा था उन पर पाबंदी लगाने की नहीं है कोई जरूरत। ममता बनर्जी को मिल सकता है अन्ना का साथ, लेकिन दीदी को देना होगा 17 मुद्दों पर राजी होने का शपथ पत्र। अगर वो अपने एफिडेविट मांगा है उनसे, अगर वो एफिडेविट देती है तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? शपथ पत्र की बात पर टीएमसी ने साधी चुप्पी, कहा जल्दबाजी होगी इस मसले पर, अभी कोई भी जवाब रखना। अन्ना ने भी सभी सियासी दलों को लिखी थी चिट्ठी, 17 मुद्दों पर अमल करने की दी थी नसीहत। सिर्फ ममता ने अन्ना को भेजा था जवाबी खत, कहा केंद्र में मिली सत्ता तो लागू करूंगी सभी मुद्दे। योग गुरु बाबा रामदेव ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना, बोले आने वाले वक्त में कांग्रेस का होने वाला है सफाया। राहुल गांधी पर भी रामदेव ने किया वार, बोले सीधे साधे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष, लेकिन देश का पीएम बनने के लिए दिमाग की कमी। राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन पर राजस्व बोर्ड ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र, विधानसभा में उठा था ये सवाल। गहलोत सरकार के दौरान खरीदे गए जमीनों पर सवाल, बाड़मेर में प्रस्तावित रिफाइनरी के पास जमीन। राजस्थान में सत्ता बदलते ही तेज हुई जांच की मांग, बीजेपी लोकसभा चुनाव में बनाना चाहती है मुद्दा। चुनावी मौसम में आम जनता को सरकारी राहत, आज से सस्ती हो गई सीएनजी और पीएनजी। दिल्ली में सीएनजी के दामों में करीब 15 रुपए प्रति किलो की कमी, पीएनजी प्रति क्यूबिक 5 रुपए हुई सस्ती। दिल्ली में 35 रुपए 20 पैसे प्रति किलो मिलेगी सीएनजी, अब तक 50 रुपए 10 पैसे प्रति किलो थी कीमत। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद में 5.5 रुपए कम हुई सीएनजी की कीमत, 40 रुपए 15 पैसे प्रति किलो है नई कीमत। 3 फरवरी को हुआ था सीएनजी पीएनजी सस्ती करने का ऐलान, लेकिन पंप मालिकों ने आदेश न आने की दी थी दलील। ऑटो वालों के लिए दिल्ली सरकार ने किए कई अहम ऐलान, बनाए जाएंगे 550 नए ऑटो स्टैंड। ऑटो जब्त करने का अधिकार पुलिस से छीना, शिकायतों पर ट्रांसपोर्ट विभाग करेगा कार्रवाई। केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलों भरा होगा पहला बजट, लगातार गिर रही है कमाई। कमाई में 5000 करोड़ की हो सकती है कमी, वैट और शराब से होने वाली आमदनी घटी। गिर रही है वैट की कमाई, एक्साइज ड्यूटी में भी गिरावट, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कम होने से स्टैंप ड्यूटी के कलेक्शन भी घटे। आसाराम के खिलाफ मामले की सुनवाई पूरी, चार्जशीट में लगे आरोपों पर कोर्ट की मंजूरी।
नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में चलेगा केस, और बढ़ सकती है आसाराम की मुश्किल। अगर आरोप साबित हुए तो आसाराम को हो सकती है उम्र कैद। 13 तारीख को अगली सुनवाई। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री के ISI के साथ रिश्तों को पुलिस ने किया खारिज, कहा आरोपों में नहीं है कोई दम। सीमा सुरक्षा बल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान पर लगाए थे आरोप, कहा था ISI और IM से हैं रिश्ते। साबिर खान का जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा, महिला डॉक्टर ने लगाए थे यौन उत्पीड़न का आरोप। मुमकिन है कि साबिर खान की गिरफ्तारी हो, पैंथर्स पार्टी ने की CBI जांच की मांग। साबिर खान को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज, बीजेपी और पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत का OSD प्रदीप शुक्ला गिरफ्तार, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा मंडल घोटाले का आरोप। शुक्ला के अधिकारियों से थी साठगांठ, मंत्री के बंगले पर लिए गए थे 82 लाख रुपए, 2 महीने से थे फरार। मुंबई के जोगेश्वरी में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, रिक्शा चलाने वाले हैं आरोपी, 2 की गिरफ्तारी, 1 फरार। दिल्ली के प्रेम नगर रेलवे फाटक के पास हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, मोबाइल छीनने के लिए मारा था चाकू, 3 नाबालिग हैं आरोपी। दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक लड़की ने की बलात्कार की शिकायत, दोस्त पर रेप का इल्जाम, आरोपी गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर 4 से 5 लोगों ने बोला था हमला, आपसी रंजिश का मामला बता रही है पुलिस। मुजफ्फरनगर में 10 साल की बच्ची से बलात्कार, 42 साल के शख्स पर चॉकलेट देने के बहाने रेप का इल्जाम, आरोपी फरार। औरंगाबाद में मनोज तिवारी के कार्यक्रम में हंगामा, भीड़ ने उछाली कुर्सियां। दो दिन के सूर्य महोत्सव में आए थे मनोज तिवारी, भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कश्मीर में फिर से जबरदस्त बर्फबारी, कई इंच बर्फ गिरने से लोग बेहाल, जनजीवन अस्त व्यस्त। घाटी में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी, बंद हो गया है जम्मू श्रीनगर हाईवे। ताजा बर्फबारी के बाद प्रशासन भी सचेत, द्रास, बारामूला और कुपवाड़ा में जारी हुई हिमस्खलन की चेतावनी। पब्लिक के लिए खोला गया ग्रेटर नोएडा में चल रहा ऑटो एक्सपो, पहले दिन पहुंचे करीब 60,000 लोग। सेलेरियो को देखने के लिए उमड़ी सबसे ज्यादा भीड़, मारुति ने लॉन्च की है नई कार। टाटा मोटर्स के पवेलियन में भी उमड़ रहे हैं लोग, नई कार बोल्ट को लेकर उत्साह। ऑटो एक्सपो में सितारों का मेला, यामाहा के पवेलियन पहुंचे ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम। ऑटो एक्सपो की वजह से 3 दिनों तक फ्री होगा DND टोल प्लाजा, शाम 5 से 8 बजे तक नहीं देने होंगे पैसे। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में लर्न टुडे लेक्चर का आयोजन, 5वीं गेस्ट लेक्चरर बनी HSBC बैंक की कंट्री हेड नैनालाल किदवई। लर्न टुडे लेक्चर में नैनालाल किदवई ने पढ़ाया इकोनॉमी का पाठ, कहा देश की नींव है छात्र। प्रोग्राम जो चल रहे हैं ये तो काफी में खुशी हुई है कि ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और जहाँ बच्चे बड़ों के साथ होने पर भी उठकर इतने प्रश्न पूछते हैं और इतना समझ है उनको इकोनॉमिक इश्यूज पर। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन, नामी गिरामी कवि शामिल। मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, हजारों की तादाद में जुटे लोग। रूस से सोची में ओलंपिक विंटर का शानदार आगाज, आतिशबाजी से सज गया आसमान। ओलंपिक विंटर के लिए जमा हुए 40 देशों के प्रतिनिधि, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की खेलों की शुरुआत।